हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। लॉकडाउन के दौरान छात्रों के माता पिता और शिक्षकों के बीच का संवाद लगभग खत्म हो गया है। इस संवाद को बनाए रखने के लिए हिमाचल सरकार ने अब EPTM का रास्ता ढूंढा है। इसके जरिए अभिभावक स्कूलों को खोलने के बारे में भी अपने सुझाव दे सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार लॉकडाउन में प्रदेश में 5 लाख से अधिक छात्रों के साथ ई पाठशाला के द्वारा संवाद स्थापित करने में सफल रहा है, लेकिन माता पिता से अब प्रत्यक्ष संवाद जो है वो कम हो गया है। इसलिए शिक्षकों की और माता पिता दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सरकार ने अब EPTM के द्वारा शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद स्थापित करने का निश्चय किया है, जिससे शिक्षक विद्यार्थियों के लॉकडाउन के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जानकारी ले सकेंगे और अभिभावकों के प्रश्नों, चिंताओं और शंकाओं का निवारण भी कर सकेंगे। 4 से 7 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों से अनुरोध किया है कि 4 अगस्त से 7 अगस्त तक समग्र शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित EPTM के माध्यम से जुड़े और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि इस PTM में सभी अभिभावक स्कूलों को खोलने के बारे में विशिष्ट चिंताएं और सुझाव भी दे सकते हैं। 4 अगस्त से 7 अगस्त तक होने वाले इस EPTM में अधिक से अधिक संख्या में अभिभावक जुड़ें, ताकि अपने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया ऑनलाइन पढ़ाई के द्वारा किस प्रकार जो है वो आगे बढ़ रही है, इस पर शिक्षकों के साथ संवाद भी कर सकें और अपनी चिंताओं और शंकाओं को भी बता सके। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।